राम की पैड़ी पर हम मौजूद हैं। सरयू नदी का किनारा है और राम में हो चुका माहौल है, क्योंकि अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हो रही है। चप्पे चप्पे पर आपको राम का नाम महसूस होगा। अयोध्या के कोने कोने में आपको प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन हो जाएंगे, उनके चरित्र के दिव्य दर्शन हो जाएंगे। आज अपने इस खास बुलेटिन में मैं आपको दिखाऊंगी कि अयोध्या नगरी आखिरकार कैसे तैयार हो रही है। अयोध्या नगरी में 22 तारीख का कितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल होगा और उससे ठीक पहले अभी अयोध्या अपने आप को कैसे तैयार कर रही है और ये अयोध्या कैसे त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आ रही है, ये आज मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अयोध्या नगरी में जब 22 तारीख को वीवीआईपी मोमेंट होगा, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो कैसे पूरी अयोध्या नगरी को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, सिक्योरिटी के कितने तगड़े इंतजाम किए गए हैं, परिंदा भी बिना इजाजत के पर मार नहीं पाएगा, कुछ इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, वो भी एक एक तस्वीर आज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आइए दर्शन कर लीजिए उन सोने के द्वारों के जो रामलला के मंदिर में लगाए जाएंगे। उसकी पहली झलक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। ये वो सोने के दरवाजे हैं जो रामलला के मंदिर में लगकर उसकी शोभा को बढ़ाएंगे, शोभा में चार चांद लगाएंगे। रामलला के मंदिर का ये स्वर्ण द्वार है। 17 तारीख को रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और 22 तारीख को हम सबके आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उससे पहले राम मंदिर कैसे तैयार हो रहा है, राम मंदिर का वो गर्भगृह जहाँ रामलला विराजमान होंगे, जहाँ प्रभु श्री राम एक छोटे से बालक के रूप में अपने दर्शन अपने भक्तों को देंगे, पूरे देश को देंगे, पूरी दुनिया को देंगे, वो गर्भगृह हर दिन सुंदर हो रहा है, हर दिन उसकी सुंदरता में चार चांद लग रहे हैं और इसे भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है सोने के दरवाजों के साथ। तो एक तरफ भगवान श्री राम के आगमन को लेकर मंदिर को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिर्फ अयोध्या को सजाया या सवारा नहीं जा रहा है, अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या अयोध्या के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे अयोध्या को एक अभेद्य किला बना दिया गया है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चप्पा इस वक्त चौकस है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है, आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक मौजूद रहेंगे, समारोह में 55 देशों के 100 मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में योगी सरकार ने अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर फोर्स को तैनात कर दिया है। अयोध्या में सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 11,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, 3 DIG, 17 SP, 100 DSP और 325 इंस्पेक्टर की ड्यूटी अयोध्या में लगाई गई है, ताकि अयोध्या के माहौल को कोई खराब ना कर सके। जब वो पावन अवसर आएगा, जब 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होगा, उस वक्त अयोध्या का माहौल सही बना रहे, अयोध्या के माहौल में तनाव पैदा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, जो VVIP आ रही है उनके मूवमेंट के लिए जो व्यवस्था की गई है वो भी अभी से दुरुस्त की जा रही है और VVIP के सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। खास इंतजाम ऐसे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए NSG ट्रेंड यूपी पुलिस के 200 खास जवानों को डिप्लॉय किया गया है। तो अयोध्या को कैसे एक अभेद्य किला बना दिया गया है, अयोध्या में कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट। अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी ATS के कमांडो फिलहाल यहां नया घाट पर तैनात किए गए हैं, इसके अलावा अलग अलग इलाकों में कमांडोज को तैनात किया गया है। आपको बता दें, यूपी ATS के कमांडो ही राम मंदिर परिसर में स्थायी तौर पर तैनात किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस रही है, यानी किसी भी तरीके की चूक से बचने के लिए पहले ही सभी कदम उठा दिए गए हैं और सभी बड़े बड़े स्थानों पर इस तरीके से ये बुलेट प्रूफ व्हीकल के साथ
अपने कंप्लीट अटायर के साथ यूपी एटीएस की टीमें तैनात हैं। ये सुरक्षा की नज़र से की जा रही तैयारियों का एक बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा भी अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर काम किए गए हैं, जिसमें एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी तैनात किया गया है, जिसमें कोई भी ड्रोन अगर उड़ता है और वो अनाधिकृत है तो उसे नीचे उतारने के लिए, उसको कब्जे में लेने के लिए इजरायली इक्विपमेंट भी तैनात किए गए हैं। यानी कोशिश ये है कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद हो, और उसके बाद जब लाखों भक्त यहां पहुंचेंगे तो अयोध्या की सुरक्षा हमेशा चुस्त दुरुस्त रहे। तो आपने देखा अयोध्या की सुरक्षा के लिए क्या खास इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर आपको अयोध्या में सुरक्षा बलों की तैनाती नजर आ जाएगी, जगह जगह आपको बैरिकेडिंग्स नजर आ जाएंगी। अयोध्या में अगर आपको राम की पैड़ी तक आना है, आपको सरयू तट तक आना है, तो कई जगह आपको चेकिंग पोस्ट से होकर गुजरना होगा, और पुलिस आपसे पूछताछ भी कर सकती है, आपके वाहन के बारे में भी आपसे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा तीसरी आंख के जरिए भी नजर रखी जा रही है, 10,000 सीसीटीवी कैमरे एक्टिव कर दिए गए हैं, आसमान से 1,000 ड्रोन कैमरे निगरानी करेंगे। ये सारे कैमरे एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं और सेंट्रल सर्वर से जुड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेहरों की पहचान करेगा, जो भी संदिग्ध होगा उसे पकड़ा जाएगा। तो देखिए, सिर्फ मैन्युअली पूछताछ नहीं की जा रही है, बल्कि एआई कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है, और अगर कोई संदिग्ध एआई कैमरों में पकड़ा जाता है या कैद होता है तो फिर उससे भी पूछताछ की जाएगी। अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम सरयू नदी में बोट से पेट्रोलिंग करेगी, वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल का विशेष इंतजाम किया गया है। इसके अलावा सभी टेंट सिटी में फायर ब्रिगेड तैनात किया जाएगा। पुलिस फोर्स पूरे शहर की पेट्रोलिंग तो करेगी ही, इसके साथ ही वो बाहरी लोग आएंगे उनका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। सीसीटीवी से कोने कोने की निगरानी की जाएगी। 20 से 22 जनवरी के मध्य अयोध्या में उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा 22 जनवरी के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। अभी की अगर आप बात करेंगे, आज की अगर आप बात करेंगे, तो देखिए मकर संक्रांति का स्नान किया जा रहा है और आज भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है श्रद्धालुओं की, लेकिन इन सबके बीच भी लगातार जो सुरक्षा बल है वो पूछताछ कर रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि अयोध्या में व्यवस्थाएं अभी से दुरुस्त की जाएं ताकि 22 जनवरी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो पाए। अब आईजी अयोध्या जोन प्रवीण कुमार का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा चाक चौबंद हो। आईजी अयोध्या रेंज इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अयोध्या सुरक्षित रहे? देखिए, अयोध्या हम लोगों ने सुरक्षा के लिए पूरा एक विस्तृत जो लेआउट है, जो रूपरेखा है, वो पूरी तरह से तैयार की हुई है। हम लोग अब अपने फोर्स को नियमित ब्रीफिंग और जो उसके बाद डीब्रीफिंग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो प्लेसेस हमने बताए हैं, क्योंकि क्राउड कंट्रोल एंड सिक्योरिटी दोनों चीज़ें एक साथ हैं, भारी संख्या में लोगों के आने की बात रह रही है, जिसके बारे में हम लोगों से अपील कर रहे हैं आसपास के लोगों से कि वो 22 के बाद जब दर्शन सुलभ होंगे तो आएँ, हम उसकी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं। और उसी को लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जेंस और ट्रैफिक रेगुलेशंस हम लोगों ने किए हैं, जिससे कि भारी वाहनों को कोई असुविधा ना हो, उनको एक वैकल्पिक प्रबंध दे दिया गया है, और दूसरे जो अन्य वाहन आएंगे जो पास जिनके पास होंगे उनको हम अनुमन करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मंदिर परिसर में हमने हमारी जो CRPF प्लस UPSSF, PAC और सिविल पुलिस के कंपोनेंट्स हैं, हमारे पूरे क्षेत्र को डिफरेंट जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सादे में भी काफ़ी लोग हैं, यानी विजिबल इनविजिबल दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास रहेगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम लोगों ने जगह जगह को CCTV कैमरे से आच्छादित किया है। हमारे रिवराइन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पेट्रोलिंग रिवर पर की हुई है। हमने हमारे जो 190 हमारे नाविक हैं, जो स्थानीय नाविक हैं, वो भी हमारे सुरक्षा के सरयू प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको भी टास्किंग है और वो लगातार हमारे साथ एज ए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमने उसमें सरयू नदी पर अपना फ्लोटिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से हम दोनों तटों पर निगरानी कर रहे हैं, प्लस अपने कोई अनऑथराइज्ड बोट्स एक्सेट्रा नहीं है, उसको भी हम लोग लगातार उसकी रिव्यू कर रहे हैं।
साथ साथ जो हमारा कंट्रोल रूम येलो जोन हमारे जो हमने कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं वहाँ पे डिफरेंट सीसीटीवी कैमरों की फीड और उसमें जो सेलेक्टेड प्लेसेस हैं वहाँ पे एनपीआर कैमरों के थ्रू हम व्हीकल्स व्हीकुलर मूवमेंट को भी मॉनिटर करते हैं और साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो टारगेटेड टास्किंग दी जाती है उस पर भी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पब्लिक जो अथाह संख्या में यहाँ पर आती है उसके तैयारी को लेकर के और 22 तारीख के बाद जो अनवरत आने वालों का श्रृंखला रहेगा और ट्रेनें हमारी भारी संख्या में आएंगी, फ्लाइट्स लगातार आती जाएंगी, उन सारे और पब्लिक जो आसपास के पूरे अवध क्षेत्र के और नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी और पुलिस बल लगातार आने जाने वाले लोगों से रैंडमली भी पूछताछ कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर जो श्रद्धालु बाहर से आए हैं वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, ये भी पता लगाया जा रहा है। और सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सरयू में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज स्नान किया जा रहा है मकर संक्रांति का, आज भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है। कैसे बोट के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट। सरयू घाट को सुरक्षित रखना भी पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है। इसके लिए सभी नाविकों को पार्टनर बनाया गया है, सभी को आई कार्ड जारी किए गए हैं और वो पुलिस के साथ मिलकर यहाँ नजर रखेंगे। इतना ही नहीं, दो स्पीड बोट भी सरयू घाट पर तैनात की गई हैं और इस तरह का सरयू घाट का एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। अगर आप इसमें पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ चारों दिशाओं का कैमरा नजर आ रहा होगा। ये अलग अलग दिशाओं से चार कैमरे यहाँ लगे हुए हैं जो लगातार नज़र बनाए रखने के लिए यहाँ पर हैं। इसके अलावा SDRF के जवान भी यहाँ तैनात रहेंगे और जो भी नाव में यात्री आएंगे उन पर नाविक नजर रखेंगे। यानी पुलिस अपनी पेट्रोलिंग के अलावा अयोध्या वासियों के सहयोग पर भी बहुत कुछ भरोसा कर रही है और उन्हें अयोध्या की सुरक्षा का पार्टनर बनाया गया है। तो एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती अयोध्या में की गई है, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है और ये मौका 500 साल के लंबे इंतजार के बाद न सिर्फ अयोध्या नगरी के लिए खास है बल्कि पूरी देश और पूरी दुनिया में रहने वाले राम भक्तों के लिए खास है। अब कैसे सबसे बड़े आयोजन के लिए, सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या नगरी को तैयार किया जा रहा है, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हें कैसे तैयार किया जा रहा है ये हम आपको बताते हैं। प्रभु श्री राम के कपड़े कौन से होंगे, प्रभु श्री राम को भोग कैसे लगेगा, दूध दही मलाई इन सब का इंतजाम कहां से किया जा रहा है, 56 किलो का अगर लड्डू होगा तो उसे कैसे तैयार किया जा रहा है, ये तमाम बातें इस वक्त अयोध्या में चर्चा का विषय है और इन पर खास तौर पर जो साधु संत हैं वो ध्यान दे रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इसके बारे में क्या बता रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। प्रभु रामलला की पूजा विधि तय है, प्रभु रामलला के वस्त्र तय हैं, प्रभु रामलला के भोग तय हैं। वो क्या हैं? मुख्य पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। भोग की व्यवस्था क्या है, प्रभु श्री राम को कितनी बार भोग लगता है और भोग में कौन से दिन क्या हो ये कैसे तय होता है? भोग में दो प्रकार के, एक राजभोग एक बाल भोग। बाल भोग होता है जो संक्षिप में दिया जाता है और राजभोग होता है जो पूरा होता है। इसमें सवेरे हमारे यहाँ भोग लग करके रामलला को और रबड़ी का भोग लगता है सवेरे और पेड़ा का भोग लगता है। इसके बाद दोपहर में सभी प्रकार दाल चावल पूड़ी सब्जी दिन के अनुसार और तिथि के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे अमावस्या है और पूर्णमासी है तो इसमें पूड़ी सब्जी और तस्मई बनती है और उस और दिनों में दाल चावल रोटी सब्जी ये सब बनता है। तो ये राजभोग और दोपहर में हो गया, फिर जब 2 बजे यह बालभोग पेड़ा के किया जाता है और पंचमेवा किया जाता है। एक के बाद शाम के संध्या में सब वही पेड़ा और पंचमेवा मेवा भोग लगता है और फिर शाम के जो शयन के पहले यह भोग लगेगा वो वही कितने यह दिन रहेगा जैसा जो पूर्णमासी होगी और अमावस्या होगा तो वही तस्मई और पूड़ी और सब्जी यह लगता है, नहीं तो वही दाल चावल पूड़ी सब्जी सब बनता है। इस प्रकार से
सुबह से लेकर के। तो आपने सुना, खास तैयारी इस बड़े अनुष्ठान के लिए की जा रही है। अब आपके लिए जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रभु श्री राम को भोग के लिए जो दही, दूध, मलाई, रबड़ी चढ़ाई जाती है, आखिर वो कहां से आती है, कैसे शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, उस दूध, दही, मलाई को आखिर तैयार कैसे किया जाता है, और वो कैसे भगवान के लिए पहुंचाई जाती है, कैसे भगवान को उससे भोग लगवाया जाता है। देखिए, मंदिर के पास एक दुकान में ही इस भोग का निर्माण होता है, भोग की सामग्री को बनाया जाता है। सीताराम यादव जी की तीन पीढ़ियां भगवान के लिए, यानी भगवान श्री राम के लिए भोग को तैयार करती आ रही हैं। अब किस तरह से भोग तैयार होता है, कैसे पवित्रता और शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम रामलला जन्म स्थान के बेहद करीब हैं, और दिखने में जो आपको साधारण सी दुकान दिखाई दे रही है, ये दुकान असाधारण है, क्योंकि इस दुकान से रामलला को लगने वाले भोग में इस्तेमाल होने वाली रबड़ी, दूध और दही यहीं से जाती है। ये सीताराम जी की दुकान है, तीन पीढ़ियां रामलला के भोग के लिए सामग्री बनाती रही हैं, और तीसरी पीढ़ी श्यामा जी उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। रबड़ी प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचती हैं। मैम, एक भव्य मंदिर बन रहा है, भोग जो लगता है उसकी रबड़ी आप तैयार करते हैं, आपके लिए कितना गर्व का विषय है, और जब रबड़ी तैयार करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? जी, हम लोग रामलला का भोग प्रसाद देते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं और अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे हाथ का बना हुआ रामलला को भोग प्रसाद मिलता है। रोज नित्य के बाद जो है, हम लोग साफ सफाई से, पहले हमारे पिताजी बनाते थे, अब हम बनाते हैं, बाबा बनाते थे, तीसरी पीढ़ी हम लोगों की है। और हमारे पिताजी राम जन्मभूमि के गवाह भी रह चुके हैं, बाबा भी रह चुके हैं, गवाह रह चुके हैं। जब आपने उनसे सीखा कि कैसे रबड़ी बनानी है या दही, तो किन बात की हिदायत दी गई आपको? जी, पिताजी हमेशा कहते हैं रामलला का भोग प्रसाद है, बहुत साफ सफाई से बनाना है, और हमें उसमें स्वच्छता का कोई मिलावट नहीं करना है, सब ध्यान में रखते हुए राम जी को। और ये भी है कि एक मूल्य जो निर्धारित है वही लिया जाता है, ये नहीं कि ज्यादा कम करके। जी, तो आपने सुना, भगवान श्री राम को जब भोग लगाया जाता है या उनके भोग के लिए जब सामान बनाया जाता है तो विशेष बातों का ख्याल रखा जाता है, और यही रिश्ता अयोध्या वासियों का प्रभु श्री राम से है, अपने रामलला से है। और जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो उनकी छटा देखते ही बनेगी। अब कैसे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और क्या तैयारी प्रभु श्री राम के मंदिर में की जा रही है, आइए आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का काउंटडाउन शुरू हो गया है, बस कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि 17 जनवरी के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और 18 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साफ किया गया है कि भव्य राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी जरूरी तैयारी है। तो ये तैयारी की गई है, 17 जनवरी वो दिन होगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि आज से ठीक दो दिन बाद 17 जनवरी वो दिन होगा जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे और फिर 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो जो आवश्यक तैयारी है वो पूरी चल रही है। एक ओर भव्य मंदिर लगभग खड़ा हो चुका है, दूसरी ओर अयोध्या सज रही है, तीसरी ओर विधि विधान के लिए सभी लोग सिद्ध हैं। 17 के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, 18 के मुहूर्त पर वे स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, उनके अनेक प्रकार के संस्कार चलते रहेंगे, और इधर यज्ञ में, यज्ञ मंडप में भी अनेक प्रकार का हवन चलेगा, और भगवान की उस दिव्य प्रतिमा के लिए जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास, ये सब अधिवासन भी होंगे, और इस प्रकार से वह प्रतिमा सिद्ध की जाएगी भगवदीय तेज को धारण करने के लिए।